for education purpose, and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, very good evening guys. वेलकम बैक टू आवर चैनल फीनवेस्ट। उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे। अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में। खासकर जो कि बिगनियर्स हैं उनके लिए मैं कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूं, तो वो हम चेक कर लेंगे। सबसे पहला स्टॉक जो हमने आपके लिए चुना है 23 अप्रैल के लिए, वो है हमारा राउट। आप बाय करके चलेंगे 1552.50 पे, एग्जैक्ट 1552 पे आप इसे बाई नहीं करेंगे। टारगेट रहेगा 1559, 1573 और 1585 का। पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रहेगा, जी हाँ बिल्कुल पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रहेगा, क्योंकि अगर स्टॉक जो है बाई साइड की जगह शॉर्ट सेलिंग की साइड यानी कि मार्केट गिर रहा हो और आपका जो बाई का लेवल है वो ब्रेकआउट हो जाए तो भी आपका एक टारगेट प्राइस अचीव हो, इसलिए पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1535 का, यानी कि 1534.50 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस वैल्यू पे एक्जैक्ट अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे, इस वैल्यू से जब नीचे जाने लगे वैल्यू तब अपना स्टॉप लॉस मान के ट्रेड से बाहर आएंगे और स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे। जैसे आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो जाएगा, जब आप अपना सेकंड टारगेट प्राइस का पीछा करोगे यानी कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करेंगे। शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1530 यानी कि 1529.50 पे आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे। टारगेट रहेगा 1522 का, 1512, 1500 का आखिरी टारगेट प्राइस रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1548 का, यानी कि 1548.50 का। इसमें भी आपको फर्स्ट टारगेट प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है। अब देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में 2 कॉल्स मैं वहीं प्रोवाइड करता हूँ। प्लस व्हाट्सएप पे मैं 400 से 700 की रेंज में स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ, जिनमें मिनिमम आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता ही है। टेलीग्राम चैनल पे डेली के स्क्रीनशॉट्स अपलोड करता हूँ मैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये सब करने से पहले मैं आपको, चलिए आज के लिए जो मैंने स्टॉक्स दिए थे उनका मैं रिव्यू बता देता हूँ। वैसे आप सभी को पता है आज जो मार्केट था वो कैसा था। मार्केट कई दिनों से, जब से लॉकडाउन का बात हुई है और जो इंडिया में जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 जिसे हम कह रहे हैं, वो पीक पे चल रहा है, तब से मार्केट फिर से हिल चुका है। पिछली बार मार्केट 7000 पे जाके गिरा था, इस बार मार्केट गिरा तो नहीं, अभी तक चांसेस है गिर भी जाए। अगर जो है इंडिया में लॉकडाउन लगता है, नेशनल अगर हमारा लॉकडाउन लगता है तो मार्केट गिर जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था। सबसे पहला स्टॉक था हमारा अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन देखिए, हमने आपको शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था 1037 पे, इसने अपना लो बनाया 1012 का, अप्रॉक्स 1012 का इसने अपना लो बनाया। उसके बाद इसने क्या हुआ, हमारे बाई साइड के जो है 2 बार एसएल हिट कर दिए, यहाँ पे भी एक्टिवेट। तो इसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में ये स्टॉक रहा होगा, अगर आपने लिया होगा बाई साइड का, शॉर्ट सेलिंग लेके रह गए होंगे तो आपका टारगेट अचीव होकर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल गया होगा। अगला था हमारा टिमकिन, इसमें भी हमें शॉर्ट सेलिंग साइड में हमारे जो थे 2 टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे। हमारा जो सेकंड टारगेट प्राइस था वो था 1335 का, और विंडो फार्मा में भी आपको बाई साइड, अगर आपने फर्स्ट में ही बाई साइड की कॉल ले ली थी तो आपको 2 बार प्रॉफिट अर्न हुआ होगा। आपका बाई साइड के 3 टारगेट प्राइस अचीव हुए, दोबारा से कॉल लगी, दोबारा से हमारे बाई साइड के 3 टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे। शॉर्ट सेलिंग साइड की मैं बात करूँ तो शॉर्ट सेलिंग साइड में हमारा जो है एसएल हिट हो गया था, बाकी बाई साइड के 2 बार टारगेट प्राइस अचीव हुए तीनों। एस्कॉर्ट्स की मैं बात करूं, ये तो दो लास्ट के 2 स्टॉक थे, हमने आपको दिए थे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये दोनों स्टॉक में देखिए, एक ने तो अच्छा परफॉर्म किया पर दूसरे ने एस्कॉर्ट्स में हमारा गैप डाउन ओपन हो गया था। अब स्टॉक्स जो है ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, रीज़न सबके सामने है। कोविड-19 पीक पे है इंडिया में, आधे जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसे में तो आप नहीं उम्मीद कर सकते मार्केट से कि वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। बट अगला स्टॉक है हमारा कैडिलैक। कैडिलैक मैंने आपको दिया था 400 से 700 की रेंज में स्टॉक जो था हमारा वो था ये। पहला ही स्टॉक हमारा गैप अप ओपन हुआ था, इस स्टॉक में हम ट्रेड नहीं कर पाए। चोला फाइनेंस में अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिला, यहाँ इस लेवल पे हमेशा बाय करके चलना था। इसने अपना 558 का हाई बनाया था, यानी कि हमारा एग्जैक्ट जो हमारा DCM श्रीराम में हमारा जो है 3 बार हमें प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए सबसे पहले तो 58 पे हमें से बाय करना था, इसने अपना हाई बनाया है 75 का, तो ये 78 का हमारा जो था लास्ट टारगेट प्राइस था, बट 75 तक आया है। दोबारा इसने कॉल अचीव, हमारी कॉल ट्रेगर की, इसने अपना हाई बनाया 74 तक, तीसरी बार भी इसने 74 तक गया। तीसरा टारगेट प्राइस नहीं अचीव कर पाया, थोड़े 3 पॉइंट से रह गया, बट 3 बार टारगेट प्राइस अच्छा खासा रिजल्ट होता है। शोभा की मैं बात करूँ, इसने हमारा बाय साइड का 1 बार टारगेट अचीव किया था और ये दूसरे टारगेट प्राइस से कुछ पॉइंट ही नीचे रह गया, बट आपको 8 से 9 पॉइंट्स इसमें भी गेन मिल गए थे। मिनिमम 10 पॉइंट्स में बोलता हूँ आपको मिल ही जाते हैं, तो वो भी राउंड फिगर अगर करके देखें तो 10 पॉइंट्स तक ही आपको मिल गए थे। शॉर्ट सेलिंग की मैं बात करूँ, शॉर्ट सेल करके चलना था हमेशा लगभग 98 पे, और इसने अपना मतलब इसमें भी हमें यहाँ पे भी 8 पॉइंट्स तक मिल गया था शॉर्ट सेलिंग के साइड में। तो सुबह में भी रिजल्ट ठीक रहा। बाकी अगर मैं वॉक फार्मा की बात करूँ तो इसमें हमारा स्टॉक जो था गैप अप ओपन हो गया था। हालांकि इसने जो अगर ये गैप अप ओपन नहीं होता तो रिजल्ट इसने भी काफ़ी अच्छा दिया था, इसने आपको 30 to 35 पॉइंट्स दे गया था। बट जो स्टॉक था वो गैप अप ओपन हो गया था, इसके कारण इस स्टॉक को हमें छोड़ना पड़ा। बाकी आपको मैं हमेशा ही बोलता हूँ मिनिमम 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको होता ही है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो उसमें मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड किया है। ये हर डेली मैं स्क्रीनशॉट अपलोड करता हूँ, डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कम है तो आप 500 मान के चलिए, बट मिनिमम तो 1000 रुपीज़ का होता ही है। अगला स्टॉक है हमारा सिम्फोनी। सिम्फोनी आप बाय करके चलेंगे 1210 पे, टारगेट रहेगा 1215, 1227, 1238 का, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1198 का। इसमें भी बाय साइड का लेवल ब्रेकआउट होगा तब बाय करेंगे, शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा तब आप स्टॉप लॉस का जब लेवल ब्रेकआउट होगा तब अपना स्टॉप लॉस हिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे, वरना इस लेवल तक अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं मानेंगे। शॉर्ट सेल अभी जिस हिसाब का मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से स्टॉक अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता तो आपको क्या करना है, वेट करना है 11 AM तक उसके गैप रिफिल होने का। गैप रिफिल कैसे होगा, बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी वो 1 मिनट का होल्ड लेगा। जैसे ये बाइंग प्राइस है और ये शॉर्ट सेलिंग प्राइस है, इसके बीच में कहीं पर भी वो 1 मिनट का होल्ड लेगा, फिर दोबारा जब लेवल ब्रेकआउट करेगा चाहे बाय साइड का करे या शॉर्ट सेलिंग साइड का, आप उसे बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये कि अगर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है और डाउन ट्रेंड में तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ेंगे आप बाय साइड का, और स्टॉक जो है गैप डाउन ओपन हुआ है अप ट्रेंड में तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ेंगे आप शॉर्ट सेलिंग साइड का। ये चीज़ क्लियर रखिएगा, जितनी बार लेवल ब्रेकआउट हो उतनी बार आप बाय कर सकते हैं, बट अभी का जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से आप जितनी बार लेवल ब्रेकआउट हो उतनी बार बाय मत कीजिए। देखिए मार्केट अगर अच्छा चल रहा है तभी ये चीज़ कीजिए, वरना एक ही बार आप जो है ट्रेड लीजिए, बार बार ट्रेड में मत घुसिए क्योंकि आप फंस सकते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, शुरुआत में अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, बीच में मीडियम चल रहा है, फिर जो नेक्स्ट है यानी कि 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट के, एक शुरुआत में होता है जो कि वॉलेटाइल होता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा धीमा हो जाता है, फिर 1 बजे के टाइम पर अपना ट्रेंड चेंज करता है, और उसमें क्या होता है कि हो सकता है वो जो प्रीवियसली ट्रेंड चला रहा हो उसी में आगे बढ़े या फिर अपना ट्रेंड एकदम से चेंज कर दे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड के हिसाब से देखिएगा कि अच्छा मार्केट चल रहा है तभी 2-3 बार आप ट्रेड लीजिएगा, वरना 1 ट्रेड इनफ है अभी के मार्केट के हिसाब से। बाकी शॉर्ट सेल करके चलेंगे से 1196 का जो लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, टारगेट रहेगा 1190, 1178, 1165, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1208 का। ये भी लेवल्स पर डिपेंड करता है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।